नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS Basic Physics में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक दर्पण समीकरण। देखिए दोस्तों, हम किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स के टॉपिक्स देख रहे हैं और उसमें आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्पण समीकरण हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं दर्पण समीकरण होता क्या है, फिर उसके बाद में दर्पण समीकरण की हम व्युत्पत्ति इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दर्पण समीकरण के साथ में आवर्धन क्षमता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो इस पर आधारित आते हैं, बट उन्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है उसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी और कुछ तरीके आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दर्पण समीकरण होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण समीकरण कहलाता है। तो किसी गोलीय दर्पण की किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बिंब दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण या सूत्र दर्पण समीकरण कहलाता है। दर्पण समीकरण कहलाता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? दर्पण समीकरण कहेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इनके बीच में संबंध, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, बिंब दूरी के व्युत्क्रम तथा प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह हमारे पास में रिलेशन होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, बिंब दूरी के व्युत्क्रम तथा प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, और यह है दोस्तों दर्पण समीकरण। अब इसकी व्युत्पत्ति हम यहां पर देखने वाले हैं। इसके लिए हम अवतल दर्पण को लेकर चलेंगे। व्युत्पत्ति अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इसके लिए हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। ये हमारे पास में है अवतल दर्पण और यह है इसकी मुख्य अक्ष। और देखिए दोस्तों, इसकी मुख्य अक्ष से, इसके वक्रता केंद्र से परे हम एक वस्तु रख लेते हैं ए बी। ये हमारे पास में कोई वस्तु है ए बी, और ए बी से हम बिंदु ए बी के बिंदु ए से हम एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है दर्पण पर आपतित करवा रहे हैं। यहां से आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरेगी दोस्तों? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये वाला बिंदु हम फोकस बिंदु कंसीडर कर लेंगे, एफ से पुट करेंगे। हम यहां पर इस बिंदु को भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये कैपिटल एम पर टकरा रहा है, और ये हमारे पास में है इसका ध्रुव पी। दोस्तों, एक दूसरी प्रकाश किरण और लेते हैं और वो प्रकाश किरण कंसीडर कर लेते हैं कि वो सीधी ध्रुव पर जाकर आपतित होती है। तो ध्रुव पर जाकर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है दोस्तों, वो उसके लिए जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब की भांति कार्य करती है। ये यहां पर मुख्य अक्ष है और ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो इस प्रकाश किरण के लिए ये एक अभिलंब की भांति काम करती है। मुख्य अक्ष किसकी तरह काम करेगी दोस्तों? अभिलंब की तरह काम करती है।
ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर ही मिलेगी वहीं पर ए का प्रतिबिंब बन जाएगा, उसको हम लिखेंगे एडेस है। इसको हम लंब मुख्य अक्ष पर डालेंगे तो वहीं पर बी का प्रतिबिंब बीडेस बन जाएगा। यहां पर वक्रता केंद्र ये सी है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख लेंगे कि जो वस्तु है हमने सी से परे रखी है ए बी, और जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य प्राप्त होता है। हमने गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के तरीकों में देख लिया है कि यदि कोई वस्तु सी से परे वक्रता केंद्र से दूर रखी है तो उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य बनेगा, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब ये जो हमारे पास में डायग्राम है दोस्तों, इस डायग्राम की सहायता से ही हम फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध स्थापित करने वाले हैं। यहां पर हम दो दो ट्राइंगल लेंगे और एक रिलेशन स्थापित करेंगे। देखिए दोस्तों क्या लेकर चल रहे हैं हम। सर्वप्रथम डायग्राम पर ध्यान देंगे, हम यहां से ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ए डेस बी डेस एफ, और दूसरा वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं इसके ठीक सामने वाला एफ एम पी, और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद में दोस्तों इस दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप त्रिभुज वो ही होते हैं जिनके तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होते ही जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। बट दोस्तों यहां पर हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। इसके साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बता देंगे समरूप त्रिभुजों के अंदर भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो वही हम रिलेशन है, जो थ्योरम है मैथमेटिक्स की, वो यूज में लेते हुए इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ व त्रिभुज एफ एम पी से, यहां पर मैंने दो त्रिभुज ले लिए ए डेस बी डेस एफ, और दूसरा वाला त्रिभुज है एफ एम पी। इससे हम यदि हम लंब डालें तो दोस्तों हम लगभग उसको बिंदु पी पर मान सकते हैं, हालांकि एकदम बिंदु पी पर तो नहीं होता, बट उसको हम पी पर मान सकते हैं। यदि ये डिस्टेंस बहुत कम होती है तो लगभग ये लंब माना जा सकता है। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो दो कोण यदि बराबर हैं तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों त्रिभुज बी डेस सॉरी कोण बी डेस एफ ए डेस, इसका मतलब है बी डेस एफ ए डेस बी डेस एफ ए डेस, तो ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल बराबर है कोण एम एफ पी के, एम एफ पी के क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण होते हैं। दोनों कोण कैसे हैं दोस्तों, सम्मुख कोण हैं, एक दूसरे के सामने हैं, शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं। दूसरी वाली स्थिति क्या है कि जो कोण ये वाला एंगल ए डेस बी डेस एफ, ए डेस बी डेस और एफ, ये बराबर होता है एम पी एफ के, कौन से कोण के बराबर है एम पी एफ के, और ये दोनों ही कोण दोस्तों है 90 डिग्री के। दोनों कोण, दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर हो गए, तो जो तीसरा वाला जो कोण है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो तीनों कोण बराबर हैं, तो हम ये बता देंगे कि जो त्रिभुज एडेस बीडेस एफ और एफ एम पी, एडेस बीडेस एफ और एफ एम पी, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, तो त्रिभुज एडेस बीडेस एफ व त्रिभुज एफ एम पी समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं दोस्तों, समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज यदि होते हैं तो क्या होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये भुजा, बट्टे में इसकी ये भुजा,
तो हम यहां पर देखिए दोस्तों, इसको समझेंगे एडेस बीडेस अपॉन इसकी ये वाली भुजा एम पी बराबर होती है इसकी ये भुजा बीडेस एफ अपॉन इसकी ये भुजा एफ पी। इसको एक बार फिर से समझ लेंगे, दिस बट्टा दिस बराबर होता है दिस बट्टा दिस। इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा ले ली हमने, और समान कोणों के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा, समान कोण है उनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो दिस बट्टा दिस, दिस बट्टा दिस, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। समरूप त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों का जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी इक्वल होता है, बराबर होता है। तो एडेस बीडेस अपॉन एम पी इक्वल होगा बीडेस एफ अपॉन एफ पी। यहां पर आप देखेंगे कि जो एम पी है वो बराबर है, ये एम पी है ये बराबर है ए बी के, जो वस्तु है उसकी ऊंचाई के बराबर है। इसको मैं यहां पर ए बी के इक्वल पुट कर देता हूं, तो हमारे पास में आ गया एडेस बीडेस अपॉन ए बी बराबर बीडेस एफ अपॉन एफ पी। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर एक, समीकरण एक हमने यहां पर दे दी है दोस्तों। उसके बाद में हम इसी प्रकार से ही दो त्रिभुज और लेकर चलेंगे। कौन से दो त्रिभुज लेकर चलेंगे अब वो समझ लेंगे। एक त्रिभुज तो हम ये वाला लेकर चलेंगे एडेस बीडेस पी और ए बी पी, ये दोनों त्रिभुजों को हम यहां पर अब की बार फिर से समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज एडेस बीडेस पी तथा त्रिभुज ए बी पी से दो त्रिभुज हमारे पास में है, और दोनों त्रिभुजों के अंदर हम दो दो चीजें इक्वल पुट करेंगे। देखो ये वाला एंगल 90, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि अभिलंब यहां पर मुख्य अक्ष की भांति काम कर रहा है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, और हम ये जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कोण है ए बी पी है वो बराबर है कोण एडेस बीडेस पी के, ये कोण बराबर है इस कोण के क्योंकि दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, हम एक एक कोण और बराबर यहां पर कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है वो यहां पर अभिलंब की भांति काम करती है। तो कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर होता है कोण एडेस पी बीडेस के, एडेस पी बीडेस के बराबर होता है दोस्तों। तो दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम यहां पर भी दोस्तों कह देंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज ए ए बी पी, ए बी पी तथा त्रिभुज एडेस बीडेस पी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं दोस्तों। और यदि समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी इक्वल होगा। तो इसकी ये वाली भुजा एडेस बीडेस अपॉन इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ए बी बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा बीडेस पी इसकी ये वाली भुजा बी पी के। ये आ गई दोस्तों हमारे पास में इक्वेशन नंबर दो। समीकरण एक पहले ही आ चुकी है, अब इक्वेशन नंबर दो आ चुकी है। समीकरण एक और दो की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो समीकरण एक और दो को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। तो समीकरण एक बराबर दो से, समीकरण एक और दो को हमने क्या कर दिया दोस्तों, बराबर पुट कर दिया। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, बीडेस एफ अपॉन में एफ पी बराबर बीडेस पी अपॉन बी पी।
ये आ चुका है हमारे पास में। अब दोस्तों इस वाले फॉर्मूले के अंदर बीपी हमें पता है कि ये बिंब दूरी है, बीडेस पी हमें पता है ये प्रतिबिंब दूरी है, एफ पी हमें पता है ये फोकस दूरी है, बट यहां पर एक बीडेस एफ का भी पद आ रहा है। इस बीडेस एफ इतना है, इसको मैं इतने में से इतना यदि घटा दूं तो ये बच जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, बीडेस पी में से यदि हम एफ पी घटा दें तो बीडेस एफ बच जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक बार समझ लेंगे। बीडेस एफ का मतलब है बीडेस पी माइनस एफ पी, बीडेस पी में से बीडेस एफ घटा देंगे तो बीडेस एफ आ जाएगा। मैंने यहां पर बीडेस एफ ही लिखा है, बीडेस एफ बराबर बीडेस पी माइनस एफ पी। दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लेंगे ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ये जो बीडेस पी है वो इतना है, हमें चाहिए बीडेस एफ, तो इतने में से इतना घटा देंगे तो यही बचेगा, इसमें से ये घटा देंगे तो ये सेंस रह जाएगा, बीडेस एफ रह जाएगा। इसकी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दीजिए तो बीडेस पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इक्वल टू बीडेस पी अपॉन बीपी, ये आ गया है दोस्तों हमारे पास में। अब हम यहां पर चिन्ह परिपाटी पुट करेंगे। क्या पुट करना है दोस्तों? चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी आप लोग यहां पर देखेंगे, बीडेस पी तो क्या है, बीडेस पी यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और यदि हम प्रकाश के यहां से दूरियां मापेंगे, इधर चलेंगे प्रकाश किरण इधर आपतित हो रही है जबकि हम इधर दूरियां माप रहे हैं, तो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी, तीनों ही दूरियां इधर है और तीनों ही ऋणात्मक ली जाएगी। ये बिंब दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब दूरी है, तो माइनस वी आ गया ये हमारे पास में। बीपी यहां से यहां तक मापेंगे तो माइनस में ये यू आ गया, और एफ पी ये आ गया माइनस में एफ, माइनस में क्या आ गया दोस्तों? एफ आ चुका है। अब हम इन जो चिन्ह परिपाटी हमने पुट की है इसकी वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं, और यहां पर पुट करते ही हमारे पास में दर्पण समीकरण आ जाएगा, और वो दर्पण समीकरण है, साथ में हम यहां पर आवर्धन समता भी देखने वाले हैं दोस्तों जो चिन्ह परिपाटी है अब वो यहां पर हम पुट कर देते हैं, हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, ये वाली तीनों वैल्यूज यहां पर पुट कर रहा हूं मैं, हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है। देखिए बीडेस पी उसके स्थान पर माइनस में वी, फिर माइनस का साइन ये पढ़ाई है, एफ पी के स्थान पर माइनस में एफ, एक बार गौर करके देखते जाइए आप दोनों तरफ, एफ पी के स्थान पर माइनस एफ बराबर बीडेस पी, ये है बीडेस पी इसके स्थान पर माइनस में वी अपॉन बीपी, बीपी के स्थान पर माइनस में यू, ये हमारे पास में यहां तक इतना आ गया है। इस माइनस एफ का इसमें भाग लगा दूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, V बट्टे में F आ जाएगा, इसके अंदर भी भाग लगा देंगे तो माइनस एफ से माइनस एक बार में चला जाएगा, ये माइनस का वन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, V बट्टे में U आ गया है दोस्तों। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर ही हम V का और भाग लगा देते हैं, V का भाग लगा देने पर, पूरी में V का भाग लगा रहा हूं दोस्तों, मैं ये लाइन पुट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि मैं पूरी इक्वेशन के अंदर V का भाग लगा देता हूं। V का भाग लगाते हैं यहां पर क्या आएगा, एक बट्टा एफ, यहां पर V का भाग लगाएंगे तो माइनस में एक बट्टा वी, यहां पर V का भाग लगाते हैं एक बट्टा यू, क्योंकि V से V कैंसिल हो जाएगा। अब इस एक बट्टा V को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारे पास में क्या आएगा, एक बट्टा एफ बराबर के इस तरफ तो पढ़ाई है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, एक बट्टा यू प्लस एक बट्टा वी, ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य, जैसे हम दर्पण समीकरण कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा
जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है और एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध होता है, जिसको हम दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं दोस्तों। अब फिर हम चलते हैं आवर्धन क्षमता की ओर। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, होती क्या है, किसे कहा जा सकता है? देखिए दोस्तों, आवर्धन क्षमता को हम मैग्निफिकेशन कहा कहते हैं, आवर्धनता भी इसको कह देते हैं। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, उसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। कि कोई भी दर्पण या जो प्रकाशीय उपकरण है, वो किसी वस्तु को कितना गुणा करके दिखा रहा है, उसका प्रतिबिंब है वो कितना गुणा बड़ा करके दिखा रहा है, उसी को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसी को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। का अनुपात, आवर्धन क्षमता कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को दोस्तों हम किरण प्रकाश की के अंतर्गत एच डैश से पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे दोस्तों? एच डैश से। तो एच डैश बट्टे में बिंब की ऊंचाई। जो बिंब की ऊंचाई है दोस्तों, वो कितनी है आपके पास में? बिंब की ऊंचाई को हम एच से पुट करेंगे। तो एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो रेशियो होता है, उसी को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। यदि हम यहां पर डायग्राम से देखें, तो ये तो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डेस बी डेस, और यह है बिंब की ऊंचाई ए बी। तो ए डेस बी डेस बट्टे में हमारे पास में आ जाएगा ए बी। इसी को ही हम कहते हैं दोस्तों आवर्धन क्षमता। और दोस्तों, हम ये पहले ही निकाल चुके हैं, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। और इसकी वैल्यू हमने अभी जो रिलेशन है, जो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम जब सिद्ध किया था, उसके थ्रू प्राप्त हुई है। और यहां से हम देख भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, ये वाला जो रिलेशन है, उसी को ही हम यूज में लेंगे। तो हम ये हमारे पास में आ चुका है, हम जानते हैं समीकरण दो से, पहले से मैंने इसको मिटाया भी नहीं है, तो हमने पहले से ही पुट कर रखा है। इस टॉपिक को इसीलिए ही इसके साथ में पढ़ा है, ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ सके दोस्तों। अब यहां पर मैं दोस्तों पुट करूंगा चिन्ह परिपाटी। इनकी चिन्ह परिपाटी को यहां से समझते हैं दोस्तों, इसकी चिन्ह परिपाटी किस तरीके से होगी, किस तरीके से इसकी चिन्ह परिपाटी को हम यूज में ले सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ए डेस बी डेस है वो तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। सबकी चिन्ह परिपाटी लिखेंगे ए डेस बी डेस, ई डेस बी डेस के लिए भी। तो ए डेस बी डेस दोस्तों क्या है? ए डेस बी डेस है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम एच डेस से लिखते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ये डिस्टेंस है, इसको हम ऋणात्मक लेते हैं। चिन्ह परिपाटी के अंदर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरियों को ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियों को धनात्मक लेते हैं। इसके साथ में आपतित प्रकाश किरण की दिशा में यदि दूरियां मापते हैं तो धनात्मक, उसकी विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो माइनस में आएगी। ए डेस बी डेस बराबर माइनस में एच डेस। ए बी बराबर क्या आ जाएगा? प्लस में एच, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी है, तो इसको हम धनात्मक लेकर चलेंगे। बी डेस पी ये वाली दूरी इस तरफ है, ये है माइनस में वी,
क्योंकि यहां से जो दूरियां होगी वो ऋणात्मक होगी, ये प्रतिबिंब दूरी है माइनस में वी, और बीपी होगी वो माइनस में यू, क्योंकि वो इस मुख्य इससे विपरीत दिशा में है, तो माइनस में यू से इसको पुट करेंगे, इसको लिख सकते हैं। तो चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस में एच डेस अपॉन एच, इसकी वैल्यू एच डेस, इसकी वैल्यू एच, प्लस में एच तो ये आ गया, इसकी वैल्यू माइनस में वी, इसकी वैल्यू है माइनस में यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस यदि इधर में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास में एच डेस अपॉन में एच बराबर आ गया माइनस में वी अपॉन में यू, और एच डेस अपॉन में एच जो होता है वो होता है कैपिटल स्मॉल एम, जिसे हम आवर्धन क्षमता कहते हैं दोस्तों। तो स्मॉल एम हमारे पास में आ गया है एच डेस अपॉन में एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई, जो कि बराबर होती है माइनस में वी बट्टे में यू के, मतलब प्रतिबिंब दूरी बट्टे में बिंब दूरी के ऋणात्मक मान के बराबर होती है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आवर्धन क्षमता से संबंधित कुछ कंडीशंस जो हमारे पास में बाहर निकलकर आती है वो कौन कौन सी है वो यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्मॉल एम का मान ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पॉसिबल है। ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो आप लोगों को समझा देता हूं मैं यहां पर। देखिए दोस्तों, यदि स्मॉल एम का मान ऋणात्मक आता है, स्मॉल एम की वैल्यू नेगेटिव में आती है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और यदि स्मॉल एम का मान धनात्मक आता है इसका मतलब वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो ये वाली बात मैं स्पेशली आपको समझा रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, ये हमेशा लागू होगी कि यदि एम धनात्मक है, एम कैसा है दोस्तों, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, आभासी। और यदि एम ऋणात्मक, एम कैसा हो, ऋणात्मक हो, नेगेटिव में हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, प्रतिबिंब होगा वास्तविक। एम का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मान है वो केवल तो इतना ही बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी है या वास्तविक है। अब एम की यदि वैल्यू एक से छोटी, एक से बड़ी और एक के बराबर, तीन कंडीशन हो सकती है। देखिए दोस्तों, मेरी बात सुन लीजिए, एम का मान यदि धनात्मक और ऋणात्मक है वो तो केवल इतना ही बताएगा कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या काल्पनिक, नेगेटिव में है तो वास्तविक प्रतिबिंब, पॉजिटिव में है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यदि एम का जो मोड लेते हैं, मोड का मतलब यदि उसकी वैल्यू ऋणात्मक धनात्मक है उसको हम धनात्मक ही लेकर चले, तब उसका मान यदि एक से छोटा है तो क्या होगा, एक से बड़ा है तो क्या होगा, एक से बड़ा है इट मींस जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई बड़ी है, बिंब की ऊंचाई छोटी है, और एक से यदि छोटा है तो बिंब यहां पर बड़ा हो जाएगा, प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। और यदि एम की वैल्यू, एम का जो परिमाण है, मोड है, वो यदि एक के बराबर है, इसका मतलब है बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई इक्वल होती है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे, यदि मोड ऑफ एम इक्वल टू एक, कि जो एम है उसका परिमाण एक के बराबर है, तो यदि इसका मान एक के बराबर होता है तो एच डेस और एच दोनों क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोस्तों क्या होगी, बराबर होगी, और v और u भी बराबर होंगे, मतलब प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी बराबर होगी। यदि ये प्रतिबिंब दूरी का परिमाण और बिंब दूरी का परिमाण है दोस्तों, ये दोनों भी बराबर होंगे। फिर देखिए दोस्तों, यदि मोड ऑफ एम ग्रेटर देन वन, कि एम का जो परिमाण है उसकी वैल्यू एक से बड़ी है, तो एच डेस बड़ा होगा एच से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी होगी बिंब की ऊंचाई से, और
तीसरी वाली जो कंडीशन है वो क्या है, मोड ऑफ एम लेस देन वन, तो जो एच डेस है वो भी छोटा होगा एच से, यहां पर एच डेस की वैल्यू छोटी होगी। जो एम का मतलब है, मैग्निफिकेशन का मतलब है, वो दोस्तों ये है कि जो प्रकाशिक उपकरण है, चाहे वो दर्पण है, लेंस है, या कोई अन्य उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, या कोई प्रकाशिक यंत्र अन्य कोई है, तो वो किसी वस्तु को कितना गुणा बड़ा करके दिखाता है। यदि वो उसकी वैल्यू एक से बड़ी है, इसका मतलब वो उतना गुणा, जैसे दो है, इसका मतलब वो दुगुना करके दिखा रहा है, बिंब की ऊंचाई से प्रतिबिंब उसका दुगुना बड़ा बन रहा है दोस्तों। तो जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन क्षमता होती है, वो किसी प्रकाशिक उपकरण के लिए होती है, और वो ये हमें बताती है कि वो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना रही है वो कितना गुणा बड़ा करके दिखा रही है दोस्तों। तो आप लोगों को इस वीडियो में आवर्धन क्षमता समझ में आई होगी। इससे पहले हमने दर्पण समीकरण, दर्पण सूत्र देखा, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।